डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द पंपिंग साइकिल। ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर द राइट एट्रियम थ्रू अ लार्ज ब्लड वेसल कॉल्ड द वेना कैवा। बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम के अंदर एक बड़ी ब्लड वेसल के साथ दाखिल होता है और उस बड़ी ब्लड वेसल को कहते हैं वेना कैवा। नाउ लुक हियर, दिस वन इज वेना कैवा। वेना कैवा वो बड़ी ब्लड वेसल है जिसके जरिए ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम के अंदर दाखिल होता है। ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन। लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर दाखिल होता है पल्मोनरी वेन के जरिए। नाउ लुक हियर, लंग्स से आता है ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम के अंदर दाखिल होता है। द आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। दोनों आर्ट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मीन्स उकड़ते हैं, पुशिंग द ब्लड इन टू द वेंट्रिकल, और ये ब्लड को वेंट्रिकल के अंदर पुश कर देते हैं। जब वेना कैवा के जरिए ब्लड बॉडी से और लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए दोनों एट्रियम के अंदर आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी और राइट एट्रियम के अंदर भी, फिर ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल में पुश कर देते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इज पम्प टू द बॉडी थ्रू द एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से में जो ब्लड आता है उसे बॉडी को सेंड कर दिया जाता है एओर्टा के जरिए। नाउ लुक हियर, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आया था, अब वेंट्रिकल से ये बॉडी की तरफ सेंड कर दिया जाता है एओर्टा के जरिए। दिस वन इज एओर्टा। एंड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स की तरफ सेंड कर दिया जाता है अलोंग द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है ब्लड से इस सॉरी हार्ट से इस ब्लड को लंग्स की तरफ। दिस वन, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाएगी। बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। दोनों वेंट्रिकल भी एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मीन सुकड़ते हैं। ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल दोनों की कॉन्ट्रैक्शन को हार्ट बीट कहते हैं। इन फैक्ट देयर इज रियली अ डबल बीट। दर हकीकत जो हार्ट बीट होती है वो डबल बीट होती है। सिंस द आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट जस्ट बिफोर द वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एट्रियम के प्लूरल को क्या कहते हैं? आर्ट्रिया। तो इसलिए बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होना कि लंग्स के सॉरी हार्ट के दो एट्रियम हैं, एक लेफ्ट एट्रियम और दूसरा राइट एट्रियम। दोनों एट्रियम को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? आर्ट्रिया। आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इनकी दोनों की एक साथ जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे क्या कहते हैं? हार्ट बीट। दिस इज इम्पोर्टेंट इफ ब्लड इज टू फ्लो थ्रू द हार्ट इन द राइट डायरेक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत अहम है ताकि ब्लड दुरुस्त हिम्मत में फ्लो कर सके। अबाउट 70 टाइम अ मिनट, एक मिनट में तकरीबन 70 दफ़ा। वेन यू आर रेस्टिंग बट दिस कैन इंक्रीज ओवर 100 टाइम अ मिनट ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटी और एक्साइटमेंट। नॉर्मली जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस दौरान एक मिनट के अंदर 70 टाइम आपकी हार्ट बीट होती है, लेकिन जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हों या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी हार्ट बीट एक मिनट में 100 टाइम हो जाती है। और ये भी नोट किया गया है कि जो एथलेट्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी हार्ट बीट एक मिनट के अंदर 200 टाइम हो जाती है, मीन 200 टाइम हो जाती है। सो नॉर्मल आपकी हार्ट बीट कितनी होती है एक मिनट में? 70 टाइम। और जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो एक मिनट में 100 टाइम हो जाती है, और जो खिलाड़ी होते हैं उनकी नोट की गई है कि वो 200 टाइम भी हो जाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।